हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका नंदिता बोल रही हूँ। मैं आज लेसन 2 व्याकरण में लेसन 2 पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण विचार, आप सभी अपनी पुस्तक कॉपी खोल कर बैठें। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, इसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसकी संख्या 11 है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ए, ओ, औ। व्यंजन वर्ण, इसे बोलते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इसकी संख्या 33 है। स्वर वर्ण के तीन भेद हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत। हस्व स्वर, इसे बोलने में सबसे कम समय लगता है। इसकी संख्या 4 है। अ, हर्षई, हर्षौ, री। दीर्घ स्वर, इसे बोलते समय हस्व का दोगुना समय लगता है। इसकी संख्या 7 है। आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ए, ओ, औ। प्लूत, इसे बोलते समय हस्व का 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, इसका प्रयोग प्रायः दूर से पुकारने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रचलन बहुत कम होता है। अब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इसकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। फर्स्ट नंबर, स्पर्श व्यंजन, इसे बोलते समय हमारे मुख में जीभा का स्पर्श मुख के सभी भाग अन्य भागों से होता है। इसकी संख्या 25 है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। अंतस्थ व्यंजन, इसे बोलते समय हमारे मुख में जीभा का स्पर्श मुख के अन्य भागों से होता तो है, किंतु आधा ही होता है। इसकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। उष्म व्यंजन, इसे बोलते समय रगड़ से हमारे मुख में उष्मा पैदा होती है। इसकी संख्या 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजन, जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण आपस में मिल जाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। अक्ष, त्र, ज, स्र। दबित व्यंजन, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं, जैसे सम्मानित, सम्मान, दिल्ली आदि। धन्यवाद।